हेलो प्यारे बच्चों आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर के और देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में क्या चीज़ें मौजूद हैं लेट्स सी इट्स एनिमल न्यूट्रिशन बेसिकली इसमें हम पहले न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट कवर करें एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो हम बाद में करेंगे सो वी आर गोइंग टू डू न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट सवाल देखिए कहते हैं टेबल शो कर रहा है कॉम्बोजिशन ऑफ चार टाइप्स ऑफ फूड विच फूड प्रोवाइड द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम याद रखना इसमें वो टारगेट कर रहा है किस टॉपिक को क्या आपको ये पता है कि नहीं पता कि फ़ैट में थ्री टाइम ज़्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ये उसका टारगेट एरिया है सबसे ज़्यादा देख लो फैट कहाँ पर है सबसे ज़्यादा फैट है यहाँ पर एटी थ्री परसेंट ठीक है जी सो so, इसका तरीका क्या है कि जहाँ जहाँ फैट है उसको आप तीन से मल्टीप्लाई कर लो सिक्सटीन इंटू थ्री कर लो एटी थ्री इंटू थ्री कर लो फोर इंटू थ्री कर लो ट्वेंटी इंटू थ्री कर लो और सामने देख लो कि आपके पास क्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ़ एनर्जी पर ग्राम आ रही है तो आई एम श्योर कि वो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ़ एनर्जी पर ग्राम आएगी वो आपके पास बी में ही आएगी बिकॉज में फ़ैट बहुत ज़्यादा है एटी थ्री इंटू थ्री करो बाकी सब को ऐड कर लो तो सबसे आगे चला जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि बच्चे की हेल्दी ग्रोथ ऑफ़ टीथ के लिए क्या चाहिए तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ़ टीथ के लिए क्या चाहिए कैल्शियम चाहिए बच्चे को एनीमिया ना हो जाए उसके लिए क्या चाहिए आयरन किस लिए चाहिए एनीमिया से बचने के लिए मैं यहाँ साथ साथ लिखता जाता हूँ एनीमिया से बचने के लिए नाइट्रेट बच्चे को चाहिए ही नहीं ठीक है नाइट्रेट प्लांट्स को चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए यूरिया बच्चे को चाहिए नहीं यूरिया इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट जो बच्चा खुद प्रोड्यूस करता है कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लार्ज एरिया ऑफ अपनी स्किन को कवर कर लेते हैं और वो कह रहे हैं कि इससे सनलाइट नहीं मिलती तो क्या चीज़ इनको कम मिलेगी सो दैट इज़ वाइटामिन डी जो उनको सनलाइट के कम एक्सपोजर से कम मिलती है या नहीं मिल रही होती है राइट right? उसके बाद हम देखते हैं कि वाइटामिन सी किस चीज़ की कमी से मिलती है उनको नहीं मिल रही होती अगर वो सिट्रसेज नहीं खा रहे तो उनको वाइटामिन सी नहीं मिलेगी आयरन अगर वो ऐसी डाइट नहीं, नहीं खा रहे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे एप्पल नहीं खा रहे तो फिर इनको आयरन नहीं, नहीं मिलेगा और कैल्शियम आपको पता है कि हमारे पास मिल्क में होती है ग्रीन वेजिटेबल्स में होती है खैर सवाल चेक करना कहते हैं अमाइलेज सोल्यूशन इज टेस्टेड विद बैनिडिक सोल्यूशन अच्छा अमाइलेस सोल्यूशन अमाइलिस है क्या अमाइलेस बेसिकली एक एंजाइम है और एनजाइम um, क्या होता है प्रोटीन होता है तो तुम समझो कि प्रोटीन सोल्यूशन इज टेस्टेड विद बनेडिक सोल्यूशन बेनेडिक सोल्यूशन से टेस्ट होगा तो इसमें क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा ब्यूरिड सोल्यूशन से टेस्ट होगा तो यस पॉजिटिव आएगा और आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट होगा तो भी उसमें कुछ नहीं आएगा ठीक है जी और तुम्हें तो पता है कि जब ब्यूरेट सोल्यूशन पॉजिटिव आता है तो आपके पास कलर क्या बन जाता है या पर्पल बन जाता है या लाइलैक बन जाता है ठीक है जी अब देखते हैं क्या मैनेडिक सोल्यूशन से ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर तो है नहीं ब्यूरेट सोल्यूशन से ये पर्पल हो जाएगा और आयोडीन सोल्यूशन से ये ब्राउन का ब्राउन ही रहेगा सो हमारे पास इसमें सी ऑप्शन करेक्ट समझ में आ रही है ठीक है थी? कह रहे हैं कौन सा लार्ज मॉलिक्यूल है विच इज़ मेड अप बिल्ड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स सो अमाइनो एसिड से क्या बन रही होती हैं प्रोटीन्स बन रही होती हैं अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बन रही होती हैं और अमाइलेज क्या है एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीनस होती हैं इसीलिए ये आंसर होगा इसका सवाल देखना वो कहता है फूड इज़ नोन टू कंटेन प्रोटीन प्रोटी उसमें है तो कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आएगा बाइव टेस्ट पॉजिटिव आएगा ठीक है जी थी, लाइलेक या वॉयलेट होना चाहिए बट नो रिड्यूसिंग शुगर नो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि इसका कलर क्या होना चाहिए ब्लू तो आपको समझ आ गई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर सी होना चाहिए सवाल देखना कहते हैं कौन सा बेसिक यूनिट है फ्रॉम विच ग्लिसरोल ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज तो ग्लाइकोजन किससे बनती है ग्लूकोज से बनती है अमाइनो एसिड से, से क्या बन रही होती हैं प्रोटीन्स बन रही होती हैं फैटी एसिड से क्या बन रहे होते हैं फैट्स या लिपिड्स बन रहे होते हैं और ग्लिस्रोल से क्या बन रहा होता है ग्लिस्रोल से भी फैट्स बन रहे होते हैं राइट right? तो अगर यहाँ पर ग्लाइकोजन की जगह फैट होता तो आंसर ग्लिसरोल होता यहाँ पर अगर ग्लाइकोजन की जगह प्रोटीन होता तो आंसर अमाइनो एसिड्स होता देखो हमने एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आगे देखो कहते कौन सा एंजाइम है जो कंट्रोल करता है रिएक्शन इन विच बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैन डी प्रोटीन आपको पता हाई टेम्परेचर पे डी हो जाती हैं तो यहाँ पर होना चाहिए प्रोटीज बिकॉज प्रोटीज एंजाइम भी डी हो जाएगा और प्रोटीन भी डी हो जाएंगी हाई टेम्परेचर के ऊपर कहते हैं एलिमेंट नाइट्रोजन इज नीडेड टू फॉर्म नाइट्रोजन किस लिए जाए फैट में नाइट्रोजन नहीं होती फैट में नाइट्रोजन नहीं होती स्टार्च में नहीं होती शुगर में नाइट्रोजन नहीं होती नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में यानी अमाइनो एसिड्स में फिर आगे वही वाली बात है कह कहते कि बताओ कि एलिमेंट्स डेट आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट ए में देखते हैं प्रोटीन में कह रहा है नाइट्रोजन नहीं होती तो इसका मतलब ये गलत हो गया बी में देखो प्रोटीन में नाइट्रोजन 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 अच्छा सी देखते हैं सी में कह रहा है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन और फैट में भी नाइट्रोजन कह रहा होती है ये भी गलत हो गया डी में देख लो प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है और कह रहा है कि प्रोटीन में ऑक्सीजन नहीं होती फैट में ऑक्सीजन नहीं होती तो ये गलत हो गया लिहाजा हमारे पास बी ऑप्शन ठीक नजर आ रही है जिसमें वो हमें बता रहा है कि बाकी सब चीज़ों में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन है और ना ही फैट में नाइट्रोजन है प्रोटीन में नाइट्रोजन है इसीलिए इसका आंसर डी होगा अगर तुम्हें लगता है कि बहुत तेज़ स्पीड जा रही है तो क्वेश्चन को स्टॉप करके पढ़ लिया करो और उसके बाद उसका मेरी एक्सप्लेनेशन देख लिया करो अच्छा जी कह रहे कि स्ट्रोंग बोन्स के लिए क्या चाहिए कैल्शियम और वाइटामिन डी कैल्शियम और वाइटामिन डी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए चाहिए ठीक है और आयरन और वाइटामिन सी इसलिए चाहिए ताकि आपको एनीमिया ना हो जाए और आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी ना हो जाए वाइटामिन सी आयरन को रोकती है बॉडी में और वाइटामिन डी कैल्शियम को रोकती है बॉडी में कहते हैं चार टेस्ट किए डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर कहता है विच सब्सटेंस कंटेंट बोथ प्रोटीन एंड रिड्यूसिंग शुगर कौन से में प्रोटीन टेस्ट भी पॉजिटिव आया और रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट भी पॉजिटिव आया सब्सटेंस ए देखो रिड्यूसिंग शुगर बैनिडिक पॉजिटिव है ड्यूरेट पॉजिटिव है इमल्शन टेस्ट नहीं आया नहीं आया अच्छा जी यहाँ पर ड्यूरेट नेगेटिव हो गया यहाँ पर नेगेटिव बैनिडिकगेटिव बैनिडिक सीधा सीधा इसका ये आंसर है इसमें रिड्यूसिंग शुगर भी है प्रोटीन भी है बैनाडिक टेस्ट के साथ रिड्यूसिंग शुगर क्या कलर दे, दे देती है एनी कलर चेंज फ्रॉम ब्लू एनी कलर चेंज फ्रॉम ब्लू वो बैनिडिक होता है और आइडियली इसका आना चाहिए ब्रिक रेड और ब्यूरि टेस्ट में आपको पता है कि क्या कलर आना चाहिए पर्पल या वॉयलेट या लाइलैक आह यह एक खूबसूरत सवाल कहता द इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट ऑन अ डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब इन एलिमेंट्री कैनाल द डाइग्राम शोर्स यूज द विस्किंग ट्यूब इज पर्मीबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज ग्लूकोज गुजर सकता है इसमें बट नॉट लार्ज टू पास स्टार्च अच्छा अच्छा ट्यूब है जी बीकर है वाटर है और दरमियान में स्टार्च और अमाइलेज है ग्लास रॉड है अगर तो ये स्टार्च एक्टिव है तो ये क्या करेगा ये अमाइलेज को कन्वर्ट कर देगा और क्या किस में कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज में ठीक है जी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ये ग्लूकोज रिफ्यूज होकर इधर बाहर आना चाहिए कहता है एक घंटे के बाद सैंपल ऑफ वाटर इन द बीकर ये वाला ये वाला सैंपल आर टेस्टेड विद बेनेडिक्ट सल्यूशन एंड विथ आयोडिन सोल्यूशन अब यहाँ बाहर स्टार्स तो होना ही नहीं है ना इस जगह पे स्टार्स तो होल नहीं सकता लिहाजा स्टार टेस्ट तो नेगेटिव आना चाहिए लिहाजा ब्लू ब्लैक को तो कार्ड नहीं अब हमारे पास बी या डी में से हम देखेंगे तो आपके सामने माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज टूटेगा बाहर आया होगा तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है रेड सो इसी लिए हमारे पास डी आंसर बनता है क्योंकि वो छोटी रिड्यूसिंग शुगर्स टूटेंगी बाहर आएँगे राइट कह रहा है एक बंदा है वो सिर्फ लेटस लीवस और पानी पी रहा है तो उसको क्या कंडीशन डिवेलप हो सकती है सिर्फ लेट्स लीवस का रहा है और पानी पीता जा रहा है उसे क्या हो सकता है उसे कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं बिकॉज उसको लेटस है लेटस में फाइबर बहुत है हार्ट डिजीज होगी उसको नहीं होगी उसको हार्ट डिजीज़ बिकॉज लेटस लीवस कोई फैटी मटीरियल तो है नहीं रिकट्स क्या है रिकिड्स के अंदर उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और स्कर्वी में क्या होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है सो so उसको रिकट्स हो जाएंगे बिकॉज वाइटामिन सी जो है वो ग्रीन लीव्स में होती है उसको रिकट्स होने का चांस है तो so हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है वीडियो का अभी के लिए इतना ही और अपना बहुत ख्याल रखो और बने रहो हमारे साथ